Today we will study force. What is force? We all know about that. हम सबको पता है कि force का मतलब होता है push और you can say pull. Force को क्या मतलब? या तो push करना किसी चीज़ को या फिर उसको pull करना. ठीक है, push मतलब धक्का देना और pull मतलब खींचना. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? force. फोर्स लगाने का मतलब या तो दो तरीके से फोर्स को लगाते हैं, एक तो किसी को धक्का देके फोर्स लगाते हैं और एक फोर्स कैसे लगाते हैं, उसको अपनी तरफ खींच के लगाते हैं. तो फोर्स को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? पुश और पुल. ओके, अब आता है कि जब ये फोर्स किसी चीज़ पे लगता है, व्हाट आर द चेंजेस, इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स. क्या बात है? इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स. जब हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे तो क्या क्या देखने को मिलता है? जब आप किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाओगे तो क्या क्या चेंजेस आते हैं? इफेक्ट्स का मतलब उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे फोर्स लगाने का. किसी भी चीज़ पर जब फोर्स लगाओगे तो पहला तो आपको देखने को मिलेगा और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग. स्टेशनरी मतलब अ फोर्स कैन चेंज, अ फोर्स कैन चेंज a force can change the direction, a force can change the speed of a moving object. पहली चीज, फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई चलती हुई चीज़ की स्पीड को फोर्स क्या कर देगा? चेंज कर देगा. जैसे कोई चीज़ धीरे धीरे चल रही है, हमने उस पर धक्का लगाया तो वो क्या हो जाएगी? तेज चलना शुरू हो जाएगी. The force can change the speed of a moving object. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, a force can क्या कर सकेगा? कोई चीज़ अगर आपकी रुकी हुई है तो उसको क्या कर देगा? मूव कर देगा. A force can move a stationary body. ठीक है, फोर्स कैन मूव कर देगा उसको, जो चला देगा स्टेशनरी बॉडी, किसी रुकी हुई बॉडी को मोशन दे जाएगा. तीसरा क्या कर देगा? अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर जैसे हम रैकेट खेलते हैं तो हम कॉक को इधर से मारते हैं, दूसरी तरफ से बंदा उधर से मारता है, तो है ना, कॉक की डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. या बॉलर जब क्रिकेट बॉल फेंकता है तो इस साइड से डायरेक्शन होती है, जब उसको दूसरी साइड से मारता है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. तो वैसे ही फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. तीन फैक्ट्स होंगे. चौथा फैक्ट क्या करेगा? अ फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई चीज़ रुकी हुई खड़ी है, उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ क्या करने लग जाती है? मूव करने लग जाती है. तो फोर्स क्या करता है? फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग चलती हुई चीज़ को क्या कर सकता है? रोक सकता है. सो कितने इफेक्ट्स हो गए? फोर इफेक्ट्स हो गए. चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी की स्पीड में चेंज नहीं आएगा. मूव अ स्टेशनरी बॉडी, रुकी हुई बॉडी को चला देगा. तीसरा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, कोई चलती हुई चीज़ की डायरेक्शन बदल देगा. और चौथा, कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, चलती हुई चीज़ को क्या कर देगा? रोक देगा. और एक पांचवा इफेक्ट, फोर्स क्या कर सकता है? इट कैन चेंज अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ शेप ऑफ या साइज साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट. जैसे कि हमारे पास होता है आटा है, डफे आटे को जब हम गूंधे हुए आटे को रोटी में बेलते हैं तो उसको हम पतला पतला कर देते हैं, उसकी जैसे एक बैलून को दबाते हैं, बैलून की क्या होती है? शेप चेंज हो जाती है. तो वही कह रहा है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ और साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट. सो जब भी किसी चीज़ पे फोर्स लगता है तो हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं? हम ये पाँच चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. या तो उसकी स्पीड चेंज होती है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है. दूसरा,
अगर कोई रुकी हुई चीज़ होती है तो वो मूव करने लग जाती है। तीसरा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है फोर्स लगाने से। चौथा, अगर वो रुका हुआ है तो वो मूव करने लग जाता है। चौथा, उसकी शेप और साइज चेंज आता है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स। इज इट क्लियर? अच्छा, इफेक्ट्स की बात करते हैं हम कि जो फोर्स होते हैं, फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स। क्या है कि जो फोर्सेस है वो टू टाइप्स के हैं। कौन से दो टाइप के फोर्स होते हैं? फोर्स के टू टाइप्स एक आते हैं आपके लिए बैलेंस्ड फोर्स और दूसरे होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, टू टाइप्स के फोर्स। एक हमारे पास बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा कौन सा है? अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? किसी भी चीज़ को अगर फोर डायरेक्शन से बराबर फोर्स लगने लगते हैं, अगर हमें जैसे वो टग ऑफ वॉर खेलते हैं ना सकसी, उसमें क्या करते हैं, एक टीम इधर से खींच रही है, दूसरी टीम इधर से खींच रही है, जब दोनों टीम बराबर ताकत लगाती है तो वो चीज़ मूव ही नहीं करती। वो चीज़ मूव करेगी नहीं, बीच में ही रहेगी। उधर से बराबर ताकत लगेगी, इधर से बराबर ताकत लगेगी, बीच में रहेगी, तो वो क्या हो गया? बैलेंस फोर्स। और जब भी किसी चीज़ पर बैलेंस फोर्स लगता है तो मोशन नहीं होता। सेम वे अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे एक बॉक्स है, मेरा एक बॉक्स। अब ये बॉक्स क्या कर रहा है? नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कहाँ लगता है? डाउनवर्ड्स लगता है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स। और इसी को आप क्या कह सकते हो? वेट ऑफ बॉक्स। एक फोर्स क्या होगा? ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी, वेट नीचे लगेगा। एक चीज़ होगी जो इसको ऊपर की तरफ देगी, धक्का देगी, उसको बोलते हैं हम फोर्स ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ रिएक्शन। नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऊपर कौन सा लगा? फोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक, ये कौन लगाएगा? एग्जर्टेड बाय ग्राउंड। इस फोर्स को कौन लगाता है? एग्जर्टेड बाय ग्राउंड, ये ग्राउंड लगाएगा। क्योंकि जब तुम ग्राउंड का फोर्स लगाओगे तो ग्राउंड एक अपोजिट फोर्स लगाता है। हर चीज़ अपोजिट फोर्स लगाती है। तो जब आप नीचे की तरफ बॉक्स फोर्स लगाएगा तो बॉक्स के ऊपर ग्राउंड फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन जिसको बोलते हैं, ग्राउंड ने फोर्स लगाया। ठीक, नेक्स्ट, अब इधर से तुम क्या कर रहे हो? फ्रॉम दिस साइड यू आर पुशिंग दिस बॉक्स। ये क्या हो जाएगा आपका? फोर्स ऑफ पुश, जो आपने इसको पुश किया कोई भी। और इधर से एक अपोजिट फोर्स लगेगा तुम्हारे पुत्री को, बोला जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर फोर्सेस लग रहे, फोर्स ऑफ रिएक्शन ऊपर की तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ, फोर्स ऑफ पुश आगे की तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ये अपोजिंग फोर्स होता है, जब भी कोई चीज़ मूव करती है उसको रोकने की कोशिश करता है। जैसे हम चलते हैं, हमारे चलने को भी क्या करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोकता है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं सकते, वी कांट मूव विदाउट दिस। अब क्या होता है बैलेंस फोर्स में? क्या होता है बैलेंस फोर्स में? जो फोर्स नीचे को लग रहा है उस फोर्स को फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या कर देता है? इक्वल होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। दूसरी तरफ क्योंकि ये नीचे लग रहा है वो ऊपर लग रहा है, कैंसिल आउट ईच अदर। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ पुश जो तुमने धक्का दिया, और दूसरी तरफ से कौन सा लगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये दोनों में क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। तो ये भी बोथ आर इक्वल, सो कैंसिल ईच अदर। तो इस वाले फोर्स ने इसको कट कर दिया, इस वाले फोर्स ने इसको कट कर दिया, सो देयर विल बी नो मोशन, कोई मोशन नहीं होगा। देयर विल बी
देयर विल बी देयर विल बी नो मोशन, नो मोशन, कोई मोशन नहीं रहेगा, नो मोशन नहीं रहेगा. सो इट इज कॉल्ड, सो इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. तो ये क्या हो गया आपका बैलेंस. जब एक फोर्स दूसरे फोर्स को क्या कर रहा है, काउंटर अटैक कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है. फ्रिक्शन ने पुश को कैंसिल कर दिया, रिएक्शन को ग्रेविटी ने कैंसिल कर दिया. सो यहाँ पर कोई फोर्स एक्स्ट्रा नहीं था, तो ये क्या बोला जाएगा, बैलेंस फोर्स. तो हमने चार टाइप के फोर्स देखे, कौन से, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक फोर्स ऑफ रिएक्शन, एक फोर्स ऑफ पुश और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इज इट क्लियर? सो दिस इज अ बैलेंस फोर्स. अब बात आती है अनबैलेंस फोर्स क्या है. अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, वेन फोर्स ऑफ पुश इज ग्रेटर फोर्स ऑफ पुश, जो तुमने फोर्स लगाया वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ग्रेटर हो जाए देन फ्रिक्शन. वेन फोर्स ऑफ पुश इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन, सो बोथ विल नॉट कैंसिल आउट ईच अदर. ये क्या हो जाएंगे, मीन्स फोर्स ऑफ पुश विल बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अनइक्वल फोर्स कैसे हो गए, अनइक्वल फोर्स. अब क्या हो जाएगा, नाउ मोशन विल बी ऑब्जर्व, नाउ मोशन, मोशन विल बी, मोशन इज देयर. तो किसी भी चीज को मूव कराने के लिए आपको फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाना चाहिए. मीन्स अनबैलेंस किसी भी चीज में मोशन लाने के लिए, मूवमेंट लाने के लिए फोर्स ऑफ, जो आपका कैसा फोर्स होना चाहिए, अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए. अनबैलेंस फोर्स विल ब्रिंग द मोशन इन एन ऑब्जेक्ट, बैलेंस फोर्स विल नॉट ब्रिंग द मोशन इन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट वी विल डू इन अनदर क्लास.